अकल का इम्तिहान है। देखना है कि वो इस भूल भुलैया में तुम्हें ढूंढ सकता है या नहीं। इस बार तुम बुरी तरह फंस गए। अब इमली को कैसे बचाओगे वीर? तुम अंदर तो आ गए हो लेकिन बाहर नहीं जा पाओगे। एक थप मार दूं तो इसे सब याद आ जाएगा। चिंटू मेरे भाई मेरे दोस्त, याद करो मैं चुलबुल हूँ। इमली को टिम्बकटू पकड़ के ले आया है और हम उसे बचाने आए हैं। अरे कुछ तो याद करो मेरे भाई। साउंड डायरेक्शन डिटेक्शन ऑन। अब मुझे इस नीडल के डायरेक्शन में ही जाना है, इमली वही होगी। सॉरी दोस्तों, अभी लड़ने के मूड में नहीं हूँ। भागोगे वीर? कभी न कभी तुम्हारी बैटरी डाउन हो ही जाएगी और तुम मेरे कब्जे में होगे। वीर! वीर! कहाँ हो वीर? जल्दी इधर आओ। मिस्टर चड्डा की कार कहाँ है? बंटी की मम्मी, जल्दी आओ, जल्दी! तो तुमने कार को हॉल में रख दिया। तुम ठीक तो हो? जल्दी से कार को वहाँ से गायब करो, जल्दी! तुमने कहा था मिस्टर चड्डा को कार वापस दो। वो हॉल में थे इसीलिए वही कार वापस कर दी। तुम मेरे काम से कभी खुश नहीं होते। ये लो जादू खत्म और मैं चला। ये हॉल क्यों तोड़ रहे हो जी? क्या कर रहे हो? ओए पता नहीं कार हॉल में कैसे कैसे आ गई। कार तो गई, ये कहाँ गई? कार हॉल में थी, मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें तो हर जगह कार ही दिख रही है। जाओ डॉक्टर से इलाज कराओ, पूरी दीवार तोड़ दी। चुलबुल, ये हंसने की बात नहीं है। इस चोर को पकड़ना ही होगा। मैं उसके लिए एक नई कार का ट्रैप सेट करता हूँ। मैंने कार थीफ को पकड़ने के लिए ये स्पेशल कार बनाई है। पकड़ लूंगा, आप लोग भरोसा रखिए। सॉरी, इस समय कुछ जरूरी काम है। मैं कोई मामूली चोर नहीं जिसे तुम पकड़ सको। मैं हूँ कार थीफ जिसे आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। बाय बाय, बाय बाय रोबो बॉय। अरे
रोबो बॉय मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। आज तो तुम बच गए कार थीफ, लेकिन अगली बार नहीं बचोगे। तो बॉस को दिखा। जी, कितने दिनों से ये बादल ऐसे के ऐसे ही हैं, पानी बरस ही नहीं रहा, ना ही ये बादल अपनी जगह से हिल रहे हैं, और गर्मी तो बढ़ती ही जा रही है। दादाजी समझ नहीं आ रहा क्या करें, इस तरह तो सारी फसलें खराब हो जाएंगी और अकाल पड़ जाएगा। अच्छा दादाजी मैं चलता हूँ। वीर मैंने चेक किया है, ये बादल किसी ने साइंटिफिक फॉर्मूला को इस्तेमाल करके जमा दिए हैं। मैं तुम्हें एक सिलेंडर दूंगा, उसके अंदर की दवा के पाउडर को तुम्हें ऊपर जाके वो बादलों पर डालना होगा, उसके डालते ही बादल नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन बादलों को इस तरह कौन जमा सकता है और क्यों जमाएगा? ये तो पता नहीं, शायद कोई बरसात रोक के अकाल पैदा करना चाहता होगा। दादाजी आप मुझे वो पाउडर सिलेंडर दीजिए, इसे मैं जाकर बादलों पे स्प्रे कर देता हूँ। मैं भी चलूंगी, मैं बादलों में कभी नहीं गई। मैं भी चलूंगा। ढेर सारी गाजर भी ले चलते हैं, वहाँ बैठ के आराम से खाएंगे। दादाजी 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 के घर में स्पेसशिप, ये कहाँ जा रहे हैं? मैं चुपचाप चलकर सब देखता हूँ। ओके वीर, ओ हाँ एक बात बताना भूल गया, ये सिलेंडर धरती पे नहीं गिरना चाहिए, वरना इतना बड़ा ब्लास्ट होगा कि पूरा फुर्सतगंज खत्म हो जाएगा। ओके दादाजी मैं ख्याल रखूंगा कि ये सिलेंडर धरती पे ना गिरे। बाय दादाजी। बादल तो एकदम बर्फ की तरह जमे हुए हैं। अच्छा तुम दोनों पिकनिक करो, मैं बादलों के दूसरे एंड से हर तरफ ये केमिकल बिखराता हुआ आऊंगा। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। तो वीर ही है रोबो बॉय, मुझे तो पहले ही से शक था। साइकिल चलाना मना है। रुको सुनो वीर सुनो, अगर वीर साइकिल चला सकता है तो मैं क्यों नहीं। केकी फेकी चलो। बंटी स्टॉप, ये क्या कर रहे हो तुम सब? डोंट वरी सर, प्रिंसिपल सर ने कॉरिडोर में साइकिल चलाने की परमिशन दे दी है। प्रिंसिपल मैं हूँ और मैंने परमिशन नहीं दी है। सॉरी सर। ये आज सब स्टूडेंट्स कॉरिडोर में साइकिल क्यों चला रहे हैं? क्योंकि तुमने सबको कहा कि मैंने परमिशन दे दी है। तुमने पहली बार ऐसी हरकत की है, इसलिए क्लास के बाद एक घंटे का डिटेंशन देकर छोड़ रहा हूँ। फिर कभी ऐसी हरकत की तो देखना। सर सर, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ सर, वीर तो मेरे साथ था। 2 घंटे का डिटेंशन। लेकिन सर, 2.5 घंटे का डिटेंशन। मेरे खिलाफ कोई तो साजिश कर रहा है, कोई मुझे फंसा रहा है, लेकिन कौन?
मिस्टर मास्क्यूटा, आपने स्कूल में तो अच्छा हंगामा किया, अब जरा बाजार में भी ऐसा ही कुछ कर दो। हे दोस्तों, चॉकलेट्स और मिठाई खानी है। हाँ। ये क्या कर रहे हो? अरे बच्चों हटो हटो, ये मेरी चॉकलेट्स हैं। ए, भागो भागो बच्चों, शू, भागो भागो, खबरदार एक भी चॉकलेट को हाथ लगाया तो। ये वीर को क्या हो गया? चलो दादाजी के पास। आप लोग जो कह रहे हैं मुझे उस पर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन आप लोग भी झूठ तो नहीं बोलेंगे। एक मिनट दीजिए, मैं वीर से अकेले में बात करता हूँ। दादाजी मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है वीर, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर इनबिल्ट कैमरा की रिकॉर्डिंग देखना चाहता हूँ कि दिन भर तुमने आज क्या किया। लेकिन जिन अंकल, हम उसे कहाँ ढूंढे? चलो मैं तुम्हें एक क्लू देता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे लैंप की तारीफ की थी। मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, बड़ी मुश्किल में हूँ, मैं किधर जाऊँ? यानी कि उस जगह में कई रास्ते होंगे, तभी हम सोच में पड़ जाएंगे कि हम किधर जाएं। एक्सलेंट इमली, इसका मतलब है फुर्सतगंज चौक। वही एक जगह है जहाँ से हर तरफ रास्ता जाता है। चलो पहले वही चलते हैं। वीर तुमने देखा नहीं, लेजर बीम्स बंटी को भी लगी लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है वो जादू से बना है, उसको मेरी लेजर बीम से कुछ नहीं होगा। वीर तुम्हें एक घंटे में जिंटू को ढूंढना है और 10 मिनट खत्म हो चुके हैं, 50 मिनट बाकी हैं। बाय बाय, ढूंढ लो। वीर, अब मैं तुम्हें बच के नहीं जाने दूंगा। जब उसका प्लेन पास ब्लास्ट हुआ तो वो दर्द से चीखा। इसका मतलब है उसके ही प्लेन से उसको असर होगा। एक स्टेज पार कर लिया, कोई बात नहीं। एक और क्लू सुनो, ताला मैं नहीं जो चाबी से खुल जाऊं, लेकिन चाबी के बिना मैं चल भी ना पाऊं। ताला मैं नहीं जो चाबी से खुल जाऊं, लेकिन चाबी के बिना मैं चल भी ना पाऊं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चाबी से खिलौना चलता है, पुराने मॉडल की घड़ी चलती है, और क्या चलता है? यस यस, पुराने मॉडल की घड़ी, वॉच टावर। इमली, फुर्सतगंज की वॉच टावर में बड़ी घड़ी है, वो पुराने टाइप की घड़ी है जिसे चलाने के लिए चाबी भरनी पड़ती है। वो ताला नहीं जो चाबी से खुल जाएगी, लेकिन चाबी भरे बिना वो चल भी नहीं सकती। वीर, यू आर राइट, चलो वॉच टावर चलते हैं। आ गए वीर, बहुत देर कर दिया आने में। आधा घंटा हो चुका है, अब सिर्फ आधा घंटा ही बचा है। वीर का ग्रुप जीत जाएगा, हमें कुछ करना ही होगा। जिंटू तुम जादू का इस्तेमाल कर रहे हो, बिना जादू के प्रैक्टिस करो प्लीज। हम कंपटीशन में जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन हमें तो पता है ना, ये चीटिंग होगी। किसी भी मुकाबले में चीटिंग करना सही नहीं है। तुम्हें तो मेरे जादू से हमेशा प्रॉब्लम होती है, वीर को मेरे टैलेंट की कदर ही नहीं। चलो चलकर कहीं कुछ खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है। हेलो जिंटू। हाय बंटी। ए, लो चॉकलेट खाओगे? हाँ हाँ, मुझे चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है।
मैं तुम्हें रोज रोज ऐसी ही चॉकलेट खिला सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पे। क्या शर्त? तुम हमारे गुरु बन जाओ, हमें भी अपने जैसा डांस सिखाओ। क्या तुम हमें अपना शिष्य बनाओगे गुरुजी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन रोज रोज चॉकलेट खिलाने वाली बात याद रखना। चलो प्रैक्टिस करते हैं। रोकना होगा, मेरी शैतानी खोपड़ी में एक शैतानी आईडिया आ रहा है। ऑल द बेस्ट वीर, मे द बेस्ट मैन विन। उड़ते हुए गाजर खाने का अलग ही मजा है। वीर देखो ये कितना प्यारा टॉय है, अपनी छत पे पड़ा था। लगता है कोई चिड़िया कहीं से उठा के लाई होगी और यहाँ गिरा दिया होगा। ये टॉय हंस रहा है, उसका कोई बटन दब गया होगा। मेरा डोंकी सेंस खतरे की घंटी बजा रहा है, उसे फेंक दो जल्दी। Wing suit on. इमली, वीर को क्या हुआ? पता नहीं, वो हिलडुल नहीं रहा है। जल्दी इसे दादाजी के पास ले जाना होगा। लगता है आज बॉस का सपना पूरा हो गया। दादाजी, वीर ठीक तो हो जाएगा ना? ये सब मेरी वजह से हुआ है। सॉरी दादाजी। ये सब मेरी वजह से हुआ है, ना मैं उड़ने को बोलता ना ये सब होता। आई एम वेरी सॉरी दादाजी। बच्चों, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं, ये सब मैड मैक्स की वजह से हुआ है। वीर ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये लो, सब कनेक्शन करेक्टली ज्वाइंट हो चुके हैं और अब सब लोग तीन गिनो। एक, दो
और तीन।